लड़की की आवाज कहाँ से आ रही थी? मसाला कटेगा क्या मेरे पे? आप सही खा के आए हो, दिमाग खराब क्या? तो ये मैंने यहाँ रख दी। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो कल करवा चौथ बहुत अच्छे सेलिब्रेट किया और उसके बाद अब आ गए हम लोग अपने डेली रूटीन पर। तो सबसे पहले आज स्टार्टिंग करते हैं जिम से। तो अभी मैं जा रही हूँ जिम और थोड़ा पूरे जोश में हूँ, मतलब पूरे जोश में हूँ। पता नहीं वर्कआउट कैसा करूँगी, समझ में नहीं आया, पर यहाँ से तो पूरे जोश में हूँ। तो देखते हैं कैसा वर्कआउट होता है और अभी मिलते हैं अपनी सहपाठियों से जो मेरी जिम में पार्टनर है उनसे। वाह मेरे बेटे वाह। हेलो, पेट खराब हो गया? तुम्हारे साथ ऐसा ही क्यों होता है? ओह माय गॉड, इतनी एक्सरसाइज नहीं मेरा। तो भाई ये मेरा वर्कआउट आज मैंने इतना किया है, पसीना ही पसीना ही दिख रहा है, इतना पसीना बहाया है आज मैंने। ये ब्रश कर रहे हैं तो अभी कल रात का इतना खाना बचा हुआ था तो हमारा नाश्ता बनाने का आज कोई मन नहीं था, हमने कोई नाश्ता नहीं बनाया। रात का जो खाना था वही नाश्ता में करेंगे आज। तो अभी ना गर्वित की मैम का वीडियो आया है, गर्वित इतने दिन बाद स्कूल गया है तो रोने में लगा है, तो मैं साइड में शेयर कर देती हूँ। देखो गर्वित कैसे मैम से चिपक के बैठा हुआ है और रोने में लगा हुआ है, मतलब चुप है, बोल ही नहीं रहा। मैम बार बार बोल रही है वो बोल ही नहीं रहा है। तो गर्वित को भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है काफ़ी दिनों बाद जाके ना, पर अब आदत तो डालनी पड़ेगी। अब आज गया, अब कल फिर सैटरडे है, फिर छुट्टी है। फिर तो यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए प्रोटीन शेक और मैंने अभी फ्रिज खोल के देखा तो सिर्फ एक बनाना बाकी था। तो कल करवा चौथ पे जो फ्रूट्स आया था उसमें एप्पल बाकी रह गया था तो मैंने कहा चलो एप्पल भी मिक्स कर लेती, तो मैंने बनाना प्लस एप्पल मिक्स करके बनाया। मुझे लगा कि शायद अच्छे से मैश हो गया होगा, पर जब मैं लास्ट में जो शेक को पीने बैठी तो पूरे के पूरे जो एप्पल थे वो वैसे के वैसे ही थे और मुँह में ना वो बार बार जैसे चबा रही हूँ ऐसा लग रहा था। मैं शेक पी नहीं रही हूँ, मैं आज उसे खा रही हूँ। मैंने प्रोटीन पी लिया है और अभी मैं आपको ना प्लांट दिखाती हूँ। आप लोगों ने मेरे प्लांट नहीं देखे ना, बहुत दिन हो गए। तो ये देखो ये मनी प्लांट है, ये इसका इसकी ग्रोथ हो रही है। तो ये मैंने यहाँ रख दिया और बारिश की वजह से ना इनमें पानी भर गया था, तो ये वाला मनी प्लांट है इसकी भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और ये मेरा रोज़ है तो इसमें रोज़ के पत्ते ना ज़्यादा पानी की वजह से काले काले हो गए, ये पता नहीं गल गए, ये इसीलिए ये इस टाइप के हो गए। और ये स्नेक प्लांट तो बढ़ ही नहीं रहा है, इतने का इतना ही है और ये वाला स्नेक प्लांट भी नहीं बढ़ रहा है। और ये ना ये जो मिट्टी है ना ये हल्द्वानी की थी तो इसलिए तिल का जो पेड़ है ना ये हो गया है इसमें। इसमें देखो फूल भी था कल तक, तो अभी तो नहीं, और इसमें ये निकल आए हैं, ये क्या होते हैं तो मम्मी देखेंगी बताएंगी क्या करना है इस पेड़ का, मुझे तो समझ में नहीं आया क्या करना है। ये एलोवेरा भी बढ़ गया है, जब मैं इसे लेके आई थी तो इसमें सिर्फ ये वाला जो पार्ट थे ये दो पार्ट थे, काफ़ी इसमें चार आ गए हैं अब। और ये वाले देखो ये भी हल्द्वानी से लेके आई थी तो इसमें भी फूल आ गए हैं। और ये वाले इसमें ये देखिए सारे फूल आ गए ना, ये कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये हो गया है और इसमें भी आ जाते हैं, इसमें भी आए हैं। देखो कल फूल आए थे इसमें, अभी ये आज नहीं आए हैं इसमें। और यहाँ पर ना ये देखो ये नाली है तो इसमें पीपल का ये पेड़ आ गया, तो मैं इसका क्या करूँ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है क्योंकि इसे तोड़ते भी नहीं है। और तो मैंने ये वाला प्लांट यहाँ रख दिया है, मैंने तोड़ भी दिए थे फिर भी ये इतने ज़्यादा बढ़ रहे, इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। तो अभी मैं जा रही हूँ गर्वित को लेने और फिर से इतनी धूप हो गई ना, पता नहीं 3-4 दिन की सर्दी थी और फिर से धूप हो गई है, तो इसीलिए मैं गर्वित के लिए अम्ब्रेला लेके जा रही हूँ। लगा स्कूल में इतने दिन बाद कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा? क्यों बच्चे? को हमने ना ठंडे वाले कपड़े पहना के भेज दिए थे और आज इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है। और गर्वित को आज बिल्कुल भी स्कूल में अच्छा नहीं लगा, गर्वित बोल रहा है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा विशाल मामू घर चले तो बोलता है नहीं मुझे अपने घर जाना है, मुझे विशाल मामू घर नहीं जाना। आज ये मना कर रहा है अपने घर जाने के लिए, रो रहा है। चलो दोनों देखते हैं ठीक है। वो रे पापा जी, ये किसके पापा जी? मम्मा के? सब्जी आ गई घर में, हे भगवान। कद्दू तो मैं भी ले आई, कद्दू ये भी ले आए।
साले आधी किलो बालू साई खाई है तूने। आधी किलो पहले मेरी बात सुन। आधी किलो बालू साई तो ये खाई है। नहीं तो ये पहले एक ही खाया पहले ये था। तो तेरे से मैं जब बात की लड़की की आवाज कहाँ से आ रही थी? अरे यार ऑटो मैं भूखी थोड़ी हूँ यार, भूख करने चलूँगा ऑटो भैया मुझे। दो रुपए दे के चलना तो वो किसको बोल रही थी? ऐसे ऑटो वाले को, मैं क्या ऑटो चला रहा था। तो ऑटो वाले की लाइट आगे पड़ेगी ना, उसके मुंह पे क्यों पड़ेगी? अरे जो बीच में लाइट जलती है। अच्छा ऊपर लट्टू बंद करने को कह रही थी। अब तू बता तू क्या बताने वाला था मुझे? अब आधी किलो बालू सही अकेले ने खाई क्यों? ठीक है और पूरी बात तो सुन है। फिर उसके बाद दो पीस और लिए, उनमें एक ही खाया है। एक बात था ना क्यों मेरे से क्या बोला? मैंने लेकिन खाई है इसलिए वो भूख नहीं है। ये बालू साई खाई है, बालू साई खाई है ना, समोसे भी खाए हैं। और दोस्त मेरे मैं जिम जाती हूँ मैं। तुम दोबारा ऑफिस में सही आड़ी आड़ बच रहे हैं। हां यार से बहुत दिन ऐसे चुप रही है। एक इसको देखना टोपी, कोई लोहे से मार, एक इसकी टोपी चल रही है। आज सोनू मैंने तेरे लिए कौन सी सब्जी बनाई है? अरे तू मत बता यार, कद्दू की और बनाई हूं सारी सब्जी। सुन तो ले कद्दू, मैं हम लोग मीठा खाते हैं, यहाँ खाते नमकीन, यहाँ नमकीन खाया जाता है, हम लोग मीठी खाते हैं। जब तक नहीं तोड़ते जब तक इतना बड़ा नहीं हो जाता। यार रायता तो यार एक नंबर लगता है। अरे यार एक नंबर लगता है रायता खाने के लिए, तो मैं पहाड़ों पर जाती हूँ यार। पहाड़ों में मुझे सिर्फ रायता और पकौड़ी सबसे अच्छी लगती है, सबसे अच्छी। हमने क्या खाया था? हमने रायता और पकौड़ी तो खाई थी। अरे यार एक नंबर लगती है यार। पूरी खा कर निपटा दी। कहाँ चले? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अरे ये क्या बात हुई मेरे को छोड़ के? तेरा साथ भी चाहिए ना। अच्छा तो मैं भी इनके लिए बना रही हूँ पूड़ी। जब तक ये तेल खत्म नहीं होगा, जब तक ये तेल खत्म नहीं होगा तब तक मैं पूड़ी बनाऊंगी। और उसके बाद रोटी। तुम डाइट में अभी बालू साई खा के आए हो, दिमाग खराब कर रहे हो। और ये हलवा खा रहे हैं, देखो हलवा खा रहे हैं यार। ये डाइट है? अब नहीं लगा मेरा हाथ, ये डाइट है। पूजा कर रही है, गिफ्ट नहीं दिया इसीलिए मार रही हूँ, गिफ्ट नहीं दिया इसीलिए मार रही हूँ। बोल सुन, चॉकलेट कौन सी वाली? वो चॉकलेट तो मांग जाती है। तन्नू सुन रही है तो देख ले उसने क्या बोला। हाँ तो तन्नू को बोला है चॉकलेट में मान जाती है। अब तू देख ले तन्नू क्या करना है इसका। ये बहुत आवाज कर रहा है पंखा, बंद कर लेती है जो से लगता है ना भूल जाएगी। मोबाइल के नोट्स नहीं आते हैं उसमें टाइम हो तो लिख लेती है कि मुझे 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 किस बात पे बहस करनी होगी ना जो मैंने अभी वो लड़की वाली। हां ये तन्नू ये नोट करने वाली है, आता है पूछना, ये पूछ रहा है इसी जगह कौन थी। पूछना भी पड़ेगा यार, सही बात है। अरे मेरा पति कितना बोला है देख लो। तो जी ये बन गई है इनकी पूड़ियां, पता नहीं पूड़ी होंगी कि नहीं। ये मेरा खाना, ये बनाई है कल की बचरी, कल की बचरी है ये। सोनू तू नहीं खाएगा उसको, आलू की सब्जी कल रात की बची है। सोनू तू नहीं, तू गेस्ट है सोनू। सोनू प्लीज तू गेस्ट है, देख तू मत खा। तू नहीं तो बोला था गेस्ट की इज्जत नहीं होती इसलिए तेरे को वो सब्जी नहीं मिलेगी आलू की। नहीं यार वो मेरा पति खाएगा, तू नहीं खाएगा। अरे आ जाओ यार, ये अलग उसमें बैठे हुए हैं महल में, बीस महल से निकल तो जाओ। तुम्हारे तो काम ही खत्म नहीं हो रहे। मसाला कटेगा क्या मेरे पे? अब क्यों गेस्ट है ना तू सोनू, सोनू तू ये सब्जी भी खा के देख ना, कद्दू की सब्जी इतनी बुरी नहीं है। देखो इतनी बेइज्जती में ना कोई पति उठ के दो लपड़ मार दे खींच के। तू बता सब्जी कैसी लगी है? अच्छी नहीं लग रही। यार इतनी बेइज्जती कौन करता है ये बताता था मुझे एक बार। तुम पे मारा नहीं गया, तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी की बेइज्जती कर रहा है वो खुद भी बोल पा रहा सब्जी कैसी है। यार देखो यार इतनी बुरी सब्जी तो नहीं बनी, कितनी अच्छी सब्जी बनी है इनकी। ये गर्वित की है, बिना मिर्ची की है ये।
वो खा ले। सोनू मजाक नहीं करी, तू खा के तो देख, अगर नहीं अच्छी लगेगी टेस्ट तो मैं फिर मैं खा लूंगी और बता, मैं पूरी खा जाऊंगी, तू खा के तो देख। अच्छी नहीं बनी? सुअर बिना बिना खाए बोले जा रहा है, बिना खाए बोले जा रहा है, तो देख के अच्छी लगेगी, क्या खाने में अच्छी नहीं लगेगी भाई? मैं तो अपनी रोटी खा रही हूँ, देख लो भाई छिल तो देती इसे। सोनू ये बिना छिले ही बनती है ये कद्दू की सब्जी। हाँ बिना छिले बनाया, मैं तो ऐसी बनाती हूँ, मुझे दूसरों से क्या करना है। बनाते थे, छिला नहीं जाता।